दोस्तों दिन के 12 बजने वाले हैं, लगता है आज सियाब भाई पाकिस्तान में एंटर करके ही मानेंगे क्योंकि सुबह 6 अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना MD आसिफ यूपी वाला स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक और नए एपिसोड में। सो दोस्तों सुबह सियाब भाई तरन तारण से निकल चुके थे। सुबह वाले वीडियो में आप सभी लोगों को मैंने अपडेट दिया था कि सियाब भाई सुबह सुबह 6:30 पर निकल गया। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है सुबह वाला, तो जाइए आप सुबह वाला वीडियो देख सकते हैं। तो इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा सियाब भाई तरन तारण से चलने के बाद कहाँ पे रुके हैं, या बाघा बॉर्डर क्रॉस कर गए पाकिस्तान में एंटर चल गए कि इंडिया में रुकेंगे, किस जगह रुकेंगे, किस होटल पे रुकेंगे। तो आप सभी लोग बने रहिएगा वीडियो में, देखते हैं सियाब भाई कहाँ रुकते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें करेक्ट लोकेशन जानने के लिए। तो दोस्तों तारीख 26 सितंबर 2022 और सुबह के 9 बज रहे हैं और सियाब भाई देख सकते हैं वहाँ आगे आ रहे हैं और इसी रास्ते से आगे बाघा बॉर्डर की तरफ जाएंगे। तो देखते हैं बाघा बॉर्डर आज क्रॉस कर जाते हैं तो आज कहाँ रुकते हैं। तो आप सभी लोग बने रहें वीडियो, देख सकते हैं वहाँ काफिला आ रहा है तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप सभी लोग बने रहें वीडियो में। दोस्तों 9:10 हो रहे हैं तो ये नहर पर हम लोग खड़ा थे, सियाब भाई का इंतज़ार कर रहे हैं। तो देख सकते हैं सियाब भाई काफिला आ चुका है यहाँ पर। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं सियाब भाई का काफिला, देखिए आ गया है यहाँ पर, देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर हैं। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी, क्या जो कैसे हैं? कैसे बस बढ़िया जी, तुसी सुनाओ ठीक? क्या नाम है आपका? बस बलदेव सिंह। बलदेव सिंह, तो दोस्तों सर जी लगे हुए हैं सियाब भाई के प्रोटेक्शन में, तो देख सकते हैं काफिला आ रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं जी सियाब भाई जो सफर कर रहे हैं केरला से मक्का आज के लिए? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद पाजी। और चाचा जी? हाँ बढ़िया, थक गए। थक गए? कितना किलोमीटर चले साथ में? अभी तो ऐसे चले 15 किलोमीटर। देख सकते हैं बाबा जी पसीना पसीना हो गए साथ में चलते चलते। तो सियाब भाई के बिल्कुल साथ हम लोग चल रहे हैं, तो देख सकते हैं पीछे भी बहुत लोग आ रहे हैं। समय 10:30 बजने वाला है, बने रहे, देखते हैं सियाब भाई आज किस गाँव में अपना मुकद्दस कदम रोकते हैं, कहाँ रुकते हैं। बने रहे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों 10:10 समय हो रहा है, सियाब भाई 20-22 किलोमीटर चल चुके हैं अभी तक और ये गांव जहां इस टाइम चल रहे हैं मेन हाईवे से नहीं, आड़े टेढ़े तिरछे रास्तों से चल रहे हैं सियाब भाई आज। तो ये गांव जिस टाइम अभी है 10:10 हो रहा है, ये सांगला गांव पड़ता है। देख सकते हैं सियाब भाई आगे चल रहे हैं और हमारे साथ हैं हमारे नूर भाई।
कैसे हैं? अस्सलाम, बढ़िया हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, एकदम बढ़िया। केरला से? जी केरला, केरला टू मक्का सऊदी अरबिया। कैसे हैं पाजी? बढ़िया जी, ठीक है, बोलो। क्या नाम है आपका? बुरी शेखो। ये कौन सा गांव है? ये सांगला। सांगला जिला? अमृतसर। अमृतसर जिला है दोस्तों। तो यहाँ से आप भाई चल रहे हैं, देखिए आगे चल रहे हैं और साथ में कुछ लोग हैं। अरे जिसान नेटवर्क भी आ गए, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। कहाँ गए वगैरह थे भाई जान आप? हाँ, आपके बिना तो दिन अच्छा ही नहीं लग रहा था। हाँ, और बढ़िया है? बढ़िया। कब जुड़े? अभी अभी तो देख सकते हैं जी। वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम भाई, ठीक ठाक हो? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से हैं आप? हम यहीं से हैं जी, अभी इनके सियाब भाई के साथ में चल रहे हैं, यहीं पे काम करते हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं सियाब भाई के लिए? सियाब भाई बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं। वो तो है, और बहुत हिम्मत है उनकी, ऐसे में पैदल चल रहे इतनी गर्मी में। जी जी जी। लोग घर से मस्जिद तक नहीं जा सकते, वो केरला से चल के मक्का जा रहे हैं। तो ये मैसेज लोगों के लिए है कि लोग अपने घर से 1 किलोमीटर या 100 मीटर 200 मीटर मस्जिद जो होती है वहाँ तक नहीं जा पाते हैं, लेकिन सियाब भाई के जज्बे को सलाम हम सभी लोग करते हैं कि वो केरला से मक्का 8,640 किलोमीटर पैदल हज के लिए जा रहे हैं। तो उनके जज्बे को सलाम, और उनके सफर के लिए क्या कहना चाहते हैं? अल्लाह में उसके सफर की जो मुश्किलें सब आसान फरमा दे, आमीन, और ठीक से वहाँ पे पहुँचे इंशाल्लाह। और अपने लिए, हमारे सबके लिए दुआ करेंगे, उन्होंने बोला था। वो तो हर जगह मैं आप सब भाइयों से अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, सब उनके लिए दुआ करें और हमारे लिए भी दुआ करें। दुआ करें। दोस्तों दिन के 12 बजने वाले हैं, लगता है आज सियाब भाई पाकिस्तान में एंटर करके ही मानेंगे, क्योंकि सुबह 6:30 पर चले थे और अभी तक उनका काफिला रुका नहीं, कहीं भी बीच में नहीं रुका। देख सकते हैं आप आगे से सियाब भाई का काफिला चल रहा है, तो देखते हैं आगे कहाँ रुकते हैं। अभी तो कहीं स्टॉप अभी तक चल चुके हैं, तो देखते हैं कहाँ रुकते हैं आगे। ये गाँव आने वाला है आगे, देखते हैं इस गाँव में रुकते हैं कि आगे रुकते हैं। तो यहाँ से बाघा बॉर्डर भी बहुत नज़दीक है, देखते हैं आज एंटर कर जाते हैं कि आज अपने इंडिया में रुकते हैं। तो आप सभी लोग बने रहिए। तो सियाब भाई चौक मुखंडा गांव क्रॉस कर रहे हैं, समय हो रहा है 12:20 चौक मुखंडा गांव क्रॉस कर रहे हैं। तो देखिए साथ चल रहे हैं, मोटरसाइकिल पे हम बैठे हैं, तो आगे देखते हैं। सियाब भाई अमृतसर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि हम अमृतसर में रुके हैं, तो अमृतसर में सियाब भाई नहीं रुकेंगे। आगे देखते हैं कहाँ रुकते हैं, तो आप सभी लोगों को उनका अपडेट दे देंगे। तो इस टाइम 12:35 हो रहा है, तो सियाब भाई इस सिटी में एंटर कर चुके हैं। तो ये भाई हैं यहाँ के लोकल, तो क्या नाम है भाई जान यहाँ का? ये गांव का नाम है, शहर का नाम है खासा। खासा। तो जिला? जिला अमृतसर। अमृतसर जिला, अमृतसर। यहाँ से अटारी बॉर्डर कितना दूर है? 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर। तो देख सकते हैं दोस्तों सुबह 6:30 सियाब भाई तरन तारण से निकलने के बाद लगातार 5 से 7 घंटे चलने के बाद यहाँ पर 12:35 हो रहा है। तो यहाँ पर सियाब भाई आने वाले हैं, और यहाँ से अटारी बॉर्डर 10 से 12 किलोमीटर दूर है। तो आप सभी लोग बने रहे हैं वीडियो में, देखते हैं सियाब भाई डायरेक्ट अटारी बॉर्डर जाते हैं कि यहाँ कहीं खासा गांव में कहीं रुकते हैं। तो आप सभी लोग बने रहे हैं वीडियो में। तो देख सकते हैं दोस्तों सियाब भाई इस रूट से चल रहे हैं, यहाँ से ये रूट सीधे अटारी बॉर्डर तक ले जाएगा। तो देख सकते हैं सियाब भाई चल रहे हैं साथ में। Thank you.
तो दोस्तों शिहाब भाई का काफिला 7 घंटे लगातार चलने के बाद यहाँ देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चियाँ इस्तकबाल करने के लिए रेडी हैं। देख सकते हैं कितनी मासूम मासूम बच्चियाँ हैं। ये आफिया स्कूल है, आफिया स्कूल के ये सब छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो शिहाब भाई के इस्तकबाल के लिए लाइन से लगी हुई हैं। देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं। और ये जो स्कूल आप देख रहे हैं ये आफिया किड स्कूल खासा गांव में पड़ता है। तो शिहाब भाई आज यहीं पे आए हुए हैं, तो देखते हैं शिहाब भाई यहां से कब निकलते हैं। तो आप सभी लोग बने रहें वीडियो में, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिहाब भाई जब भी यहां से निकलेंगे तो आप सभी लोगों को सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल MD आसिफ UP वाले पर मिल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों शिहाब भाई लगातार 7 घंटे लगातार चलने के बाद यहाँ पर आके पहुँच चुके हैं अपने मंजिल पर। तो ये आफिया किड्स स्कूल है जो खासा गांव में पड़ता है, खासा सिटी है, गांव या कस्बा सिटी जो भी कह लीजिए। तो यहाँ जिला अमृतसर में पड़ता है खासा सिटी। बाघा बॉर्डर अटारी बॉर्डर की दूरी 10 किलोमीटर, करेक्ट 10 किलोमीटर है। तो आज इतना दूर चले हैं, लगातार रेगुलर 30 से 35 किलोमीटर चले हैं, तो आज तो नहीं चलने वाले हैं। तो आज यहीं पर इनका स्टे है। तो ये देख सकते हैं, आपको फिर से बता देता हूँ, आफिया किड स्कूल है, ये मेन रोड पड़ता है जो कि अमृतसर से अटारी बॉर्डर के लिए ये हाईवे जाता है, इसी मेन रोड पर ये स्कूल पड़ता है। तो शिहाब भाई यहीं पे पहुँचे हुए हैं। तो कल अगर निकलेंगे तो आप सभी लोगों को कल वाले वीडियो में आप सभी लोगों को उनका एंट्री का अपडेट मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जय हिंद दोस्तों, खुदा हाफिज़।